आज मैं आप लोगों को ये कार साफ करके दिखाऊंगा। इसमें काले दाग पड़ गए हैं, तो अभी धोते हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे धोता हूँ मैं इस गाड़ी को अपने तरीके से, अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे पापा ने स्कूटरी लगाई थी, तो इसकी यहाँ पे थोड़ी तंगी हो रही है। मैं इसे साइड में करता हूँ, पर ये लॉक है और लॉक भी है, और लॉक ऐसे ही रगड़ रुगड़ के कर दूंगा साइड में थोड़ी। इसका स्टैंड छूट गया था, याद नहीं रही है। गिर गई थी मेरे से, इसका जो स्टैंड है वो हट गया था। तो ये है अच्छे वाला निरमा और शैम्पू। ये हम मैं मिक्स करके लगाऊंगा इसको, ताकि इसमें लुब्रिकेशन बनी रहे, चिकनाई। ये है पानी, ये है शुद्ध। अब मैं ये थोड़ा शैम्पू, ये अच्छे से मिक्स करना है इसमें, निरमा भी और शैम्पू भी, क्योंकि शैम्पू में थोड़ी थोड़ी मात्रा तेल की भी होती है, जिससे हमारे स्क्रैच स्क्रूच होते हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं बढ़िया। और तो मिलाएंगे इसको अच्छे से। और इसका सबसे पहले मैं छत धोऊंगा, ताकि जो गंद फंदे वो नीचे आ जाए पहले ही छत से। सबसे पहले मैं इस गंद को ऐसे ही हाथ से साफ करूंगा, बाद में शैम्पू लगाऊंगा, ताकि हमारा कपड़ा खराब ना हो। कैसे जाएंगे? अब मुझे परली साइड धोनी थी गाड़ी की, तो यहाँ गाड़ी घुमा के लगानी थी, फिर यहाँ पे जगह भी बहुत कम थी, और देखते हैं अब घूमेगी कि नहीं घूमेगी, तो कोशिश करते हैं ट्राई। आएगी ले लो, आके जाओ, जान दूर बाल्टी तो साइड में ले आओ। वो रखो थोड़ी जी, बस ओ पीछे जान दो, फिर कटे हो खुंडा ने पटना, खुंडा का तो पटना जिस बात का डर था वही बात हुई। और जो बीच में यहाँ एक खुंडा गड्ढा था हमने लकड़ी का, और जिसमें हम अपने बकरियाँ बांधते थे, वो यहाँ से उखाड़ना ही पड़ेगा, तभी कटाई होगी। तो अब चलो उखाड़ते हैं। मैं सोचा बड़ा पक्का है, तो मैं कामयाब रहा खुंडा पटने में। ये मैंने ही नीचे यहाँ पे गाड़ दिया था पहले, अब इसको कहीं और गाड़। आगे? हाँ ले लो थोड़ी, बस अब कटाई करनी भाई पूरी। ओ गच्छ तरीके नहीं आई जानी है, जान दो पूरी कर दो, पूरी कर दो, अब कटो अब कटो अब कटो। यहाँ आना देखता हूँ मैं, जान दो। ओ बड़ी पर जगह आन दो पूरी पूरी, अब आन दो पीछे बस। भाजी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।